हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाले हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट रिनोड यूनिवर्सिटी है दोस्तों। और यहाँ पर हर साल हज़ारों बच्चे दोस्तों एडमिशन लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल यूनिवर्सिटी है अपने यूपी की। इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक है लखनऊ, दूसरी है अमेठी। जो इसकी मेन ब्रांच है वो लखनऊ में है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों दोनों ब्रांचेस की, बट प्रिंसिपल जो है वो हम लोग सबसे पहले जो मेन होगा वो होगा लखनऊ ब्रांच। तो जितने लोग भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसको BBAU यूनिवर्सिटी भी कहते हैं दोस्तों, इसमें एडमिशन लेना है 2025 में, तो आज का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग जो कंटेंट कवर करने वाले हैं वो होने वाला है जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी BBAU की है। साथ ही में दूसरा होने वाला है इसमें जो एडमिशन क्राइटेरिया है, एडमिशन पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा और फीस क्या रहेगी, कोर्सेज क्या रहेंगे और एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दोस्तों इसमें होगा उसकी हम लोग थोड़ी बात करेंगे। और जो भी एप्लीकेशन की लास्ट डेट और जो भी फॉर्म की डेट होती हैं स्टार्टिंग, वो सारी हम लोग बात करेंगे और हर चीज़ कवर करेंगे। तो दोस्तों आराम से आप लोग बैठ के पूरी वीडियो देखिएगा, नोट भी करते रहिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सारी हम लोग आज इसमें बता देंगे आपको। जो भी आपके डाउट्स थे पिछले साल के वो भी इसमें कवर कर देंगे और हर चीज़ दोस्तों इसमें इस वाली वीडियो में कवर होने वाली है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन इस वाली यूनिवर्सिटी की। तो दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या चीज़ इसको और ज़्यादा इसको बेस्ट बनाती है, इसको बेटर बनाती है, वो है इसकी NAAC की जो इसकी ग्रेड है वो है A++। दोस्तों A++ वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिंग होती है किसी भी यूनिवर्सिटी जो भी प्रदान करती है NAAC। तो ये एक कॉलेज दोस्तों हाईएस्ट रेटिंग यूनिवर्सिटी है। तो ये जो इसकी लोकेशन है वो मैं बात कर लेता हूँ, वो है विद्या विहार रायबरेली रोड पे। दोस्तों ये जो कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा लखनऊ में, रायबरेली रोड है वहीं पर आप लोगों को विद्या विहार के पास में ये वाला कॉलेज देखने को मिल जाएगा लखनऊ ब्रांच। दूसरी ब्रांच दोस्तों अमेठी में है। जो लोग अमेठी से इस वाले कॉलेज में सॉरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग भी इस वाली पूरी वीडियो को देखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहले फॉर्म की, जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो कब तक आएगी। तो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो दोस्तों CUET का जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद ही आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आखिर CUET ये क्या चीज़ है, कैसे इस चीज़ को हम लोग पार करना है, कैसे इस एग्ज़ाम को हम लोग को क्रैक करना है। CUET की दोस्तों फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सारी इसमें इंक्लूडेड हैं और इनका जो एक ही सबका एक एग्ज़ाम होता है वो होता है CUET। तो CUET दो भागों में बांटा गया है, एक है CUET UG, एक है CUET PG। तो जितने बच्चे भी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो CUET UG के लिए और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन वो PG के लिए। तो जितने भी बच्चे दोस्तों हैं 12th कंप्लीट करने वाले हैं उनको दोस्तों बता दूं कि जो आपके फॉर्म है CUET के वो फरवरी या मार्च में दोस्तों निकल जाएंगे और एक महीना मिलता है। तो फरवरी में समझ लीजिए अगर 25 मार्च को निकलते हैं तो वो करीब 27-28 मार्च को दोस्तों अगले महीने में जो उसकी लास्ट डेट है वो आ जाएगी। कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो दोस्तों NTA की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप लोगों को CUET के फॉर्म्स मिल जाएंगे। आप लोगों को विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद दोस्तों क्या होगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में दोस्तों तीन सेक्शंस होते हैं, एक लैंग्वेज का टेस्ट होता है, दूसरा जो मेन जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जितने भी, जैसे आप लोग तीन सब्जेक्ट भरेंगे तो उसके लिए ₹1,000 लगेगा जो तीन सब्जेक्ट आप लोग चूज़ करेंगे। और जो एक्स्ट्रा उसके बाद सब्जेक्ट भरेंगे उसमें समझ लीजिए कि ₹400 हर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ेगा। तो आप लोग जितने भी सब्जेक्ट चाहें ले सकते हैं, बट जो पहले के तीन सब्जेक्ट होंगे उनके लिए सिर्फ 1,000 फीस है। मतलब कि मान लीजिए आप लोग करीब ₹320 या ₹330 दोस्तों एक सब्जेक्ट की फ़ीस पड़ रही है, बल्कि तीन सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद आप लोगों को ₹400 पर सब्जेक्ट फ़ीस पड़ेगी। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा दोस्तों वो पूरा आप लोग ₹1,000 में सबमिट कर सकते हैं, प्लस थ्री सब्जेक्ट भी उसमें सबमिट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड सेक्शन होता है जो CUET में पूछा जाता है वो होता है जनरल टेस्ट। तो ये तीन होते हैं दोस्तों आप लोगों को देने पड़ते हैं। जब आप लोग ये वाला एग्ज़ाम CUET ये जब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इसका स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेना है उसी की वेबसाइट पे, सामर्थ की वेबसाइट पे, सामर्थ पोर्टल पे, और NTA की वेबसाइट पे जाकर आप लोग चेक कर लेंगे तो वहाँ पर आपको अपना स्कोर कार्ड मिल जाएगा। अपना आप लोग जब जो भी ID या रोल नंबर होगा वो डालिएगा, आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। स्कोर कार्ड डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को इस वाली यूनिवर्सिटी BBAU यूनिवर्सिटी के
वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करने से पहले पूरा जो प्रोस्पेक्टस है वो पढ़ लीजिएगा, वरना जैसे ही दोस्तों वीडियो अभी आगे चलेंगी, जैसे ही 2025 में फॉर्म आएंगे हम लोग, उस समय आपका पूरा प्रोसीजर और सारे सारे कोर्स को एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात आपकी कोई है नहीं। तो क्या आप लोग करना है दोस्तों, कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो भी इसमें फॉर्म की डिटेल्स थी, कि अब जो भी पैसा होगा, कहाँ से आप लोग को फॉर्म भरना है, वो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ और बतानी थी कि जो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा CUET का, आप लोग को इस वाली यूनिवर्सिटी में जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आप लोग को अपनी हर चीज़ भर देनी है, जो भी आपके डिटेल्स हैं, जो भी हर चीज़ है, वो सब आप लोग को भर देनी है। अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अगर लोगों ने रिजर्वेशन ले रखा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको छोटी मोटी ये सब करनी पड़ेंगी। तो CUET रजिस्ट्रेशन आप लोग जब कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपनी जिस भी सब्जेक्ट को आपको लेना है इस वाली यूनिवर्सिटी में, उसकी सीट लॉक कर दीजिएगा। तो आप जो भी सीट लॉक करेंगे वो BBAU में जो रजिस्ट्रेशन आप लोग जब करेंगे तभी लॉक करनी होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी में जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी एक किसी डेट पर मेरिट लिस्ट निकालेगी। और अगर आपका जो CUET स्कोर है इस मेरिट लिस्ट से ऊपर है या इसके बराबर में है, अंडर में है मतलब कि, तो आप लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग इसमें आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी इसका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो करा सकते हैं। जिन लोगों का नहीं होगा दोस्तों, वो लोग भी वेट करते रहिएगा, क्योंकि जो सीट्स वैकेंट रहेंगी वो सेकंड और थर्ड मेरिट जो कट ऑफ आने वाली है, जो भी सीट्स वैकेंट हो जाएंगी वो यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगा, तो उसमें भी आपका नाम आ सकता है। तो आप लोग होप बिल्कुल मत खोइएगा। तो इसके बाद दोस्तों मैंने कहा कि जैसे ही अगर आप लोगों के मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं मेरिट में बता दूं आप लोग, मेरिट में एक चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, कि अगर किसी का स्कोर बराबर, जैसे मान लो 300 आया एक दूसरे और चार पांच लड़कों का 300 आ गया स्कोर, ठीक है, तो उसमें कैसे रैंकिंग आपको मिलेगी, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, अगर आप लोग दोस्तों डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी कम है तो आप लोगों को फर्स्ट रैंक उसके ऊपर मतलब कि सबसे अच्छी रैंक दी जाएगी। फिर उसके बाद धीमे धीमे जिस हिसाब से डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको सबसे नीचे रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग की जैसे मैंने बात की, ऑनलाइन काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद दोस्तों आप लोगों को फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। फ़ीस सबमिट कर देंगे उसके बाद दोस्तों, आप अभी भी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को फिज़िकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स का। ऑनलाइन वेरिफिकेशन तो उस पोर्टल पे होगा, साथ ही में फिज़िकल वेरिफिकेशन आपको डिपार्टमेंट में जाकर डिपार्टमेंटल कमिटी होगी, वो आपके सारे वेरिफिकेशन करेगी डॉक्यूमेंट्स के। तो वो वेरिफिकेशन हो जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो आपका जो फॉर्म होगा, और जितने बच्चों के भी फॉर्म होंगे जिनका पूरा फिज़िकल वेरिफिकेशन भी हो चुका है ऑनलाइन प्लस फिज़िकल, उनकी जितनी भी लिस्ट होगी वो डीन ऑफिस भेज दी जाएगी, डीन के पास, फिर डीन उसको अप्रूवल देंगे, साइन करेंगे, तब आपका जो ये एडमिशन प्रोसेस है BBAU यूनिवर्सिटी का वहाँ पे जाके फाइनल होगा, वहाँ पे जाके रुकेगा दोस्तों। तो लास्ट है जो डीन अप्रूवल, उसके बाद आप लोग अपना एडमिशन आपका कन्फर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों अगर कोई वैकेंट सीट बच जाती है, फिर वह दूसरी तीसरी मेरिट लिस्ट निकलती है, कट ऑफ निकलती है जिनका होगा, वो लोग आगे चल के वो भी सब कुछ वही ऑनलाइन वेरिफिकेशन, फिर फिज़िकल वेरिफिकेशन, काउंसलिंग सब कुछ कराकर डीन वेरिफिकेशन उनका भी हो जाएगा ओवरऑल चल के, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से कि इसमें सीट्स कितनी होती हैं कोर्सेज में बताऊँगा कौन कौन से होने वाले हैं। तो सीट्स दोस्तों आप लोगों को हर कोर्स में दोस्तों 50 से 60 सीट मिल जाएंगी। ये ओवरऑल सीट है 50-60 के अंदर। अब OBC, SC, ST, EWS और अनरिजर्व्ड सबका अलग अलग सीट्स है, वो हम लोग आगे चल के जब इसकी डिटेल में बात करेंगे, अभी रिव्यू चल रहा है दोस्तों उसी में बताते हैं, पूरा एडमिशन गाइड हम लोग बता रहे हैं। तो 50 से 60 सीट्स आराम से हर एक कोर्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से कोर्सेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। BSc, MSc, जनरल साइंस भी आपको मिल जाएगी, जूलॉजी, बॉटनी ये सब कर सकते हैं। BA आपको ऑनर्स करना पड़ेगा, सिंपल BA वाला नहीं है दोस्तों कि बैचलर ऑफ आर्ट्स फिर आप लोगों ने तीन सब्जेक्ट ले लिए, वो नहीं है, यहाँ पर BA ऑनर्स करना पड़ेगा आपको। MSc है और BCom ऑनर्स है, BBA ऑनर्स है, BBA LLB ऑनर्स है, BTech भी है और BA फिल्म, जो फिल्म के लाइन में काम करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों बैचलर ऑफ आर्ट्स भी कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग CUET में जो भी सब्जेक्ट भरेंगे
उनको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके कोर्सेज जो एलिजिबिलिटी है आपके कोर्सेज में वो सब्जेक्ट्स आप लोग ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो सब्जेक्ट नहीं लिया तो आप लोगों को वो सब्जेक्ट उस वाले कोर्स के अंदर नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोर्सेज अपनी चुन के देखिएगा कि जो आप जो एडमिशन में रिक्वायर्ड हैं BBEU की वही आप लोग CUET में भरिएगा। मतलब कि भर तो आप बहुत सारे सकते हैं, उनमें वो वाले सब्जेक्ट भी होने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरऑल दोस्तों ये था। अब आखिरी हम लोग जल्दी से हॉस्टल की बात कर लेते हैं। हॉस्टल्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर जो हॉस्टल की फ़ीस होगी वो होगी 4,600 रुपये। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स हैं, बट आपको जो एक मैं बता रहा हूँ 4,600 रुपये जो ये आपकी हॉस्टल फ़ीस होने वाली है, जिन लोगों को भी हॉस्टल लेना है उसके लिए भी थोड़े से हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको ऑफलाइन फॉर्म जाके सबमिट करना पड़ेगा DSC डिपार्टमेंट में, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को हॉस्टल फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। आराम से दोस्तों आप लोग फिर हॉस्टल में रह सकते हैं और अपना जो भी कोर्स है आराम से कम्प्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, पूरा हम लोग ने आपको पूरा समझा दिया है, पूरा लिख के लाए थे और अच्छे से समझा दिया है। कोई भी डाउट रह गया हो मन में तो जी जल्दी से आप लोग नीचे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर CUET की प्रिपरेशन करनी है तो हम लोग ने नया चैनल बनाया है CUET बाबा के नाम से, इसका जो लिंक है वो हम लोग पेस्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, वरना आप लोग डायरेक्ट आप लोग YouTube पर जाके सर्च कर सकते हैं CUET बाबा, उसमें आप लोगों को हमारा चैनल मिल जाएगा, पूरी प्रिपरेशन चलेगी दोस्तों, आराम से उसमें क्लासेस करिएगा, स्टडी मटेरियल PDF सब मिलने वाला है। लास्ट चीज़, अगर वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो इसको चैनल सब्सक्राइब करो दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना करना लेकिन शेयर जरूर कर देना अपने जितने भी दोस्त हैं जितने भी ग्रुप्स हैं उनके साथ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के संग किसी नए कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रिव्यू करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।